ये काला गेहूं है। काला गेहूं के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि भाई काला गेहूं होता है। तो ये काले गेहूं का बीज है जो हम सुखा करके तैयार कर रहे हैं। अभी 1.5 महीना बाकी है, लेकिन ये गेहूं को बीज को सुखाने से इसके अंदर जो भी फंगस है, जो भी कीट है, जो भी जीवाणु अंडाणु है, वो सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम रोग मुक्त, इनके अंदर जो भी नमी है वो नमी खत्म होकर के सूख करके तैयार हो जाएगा। तब जाकर के ये बुआई के लायक होगा। फिर इनको ऑर्गेनिक शीड ट्रीटमेंट करके तैयार करेंगे, उसके बाद में बुआई करेंगे। ये अपने खेत का ही पैदा हुआ हुआ, अपने खेत में निपजा हुआ ये काला गेहूं का बीज है, जो पिछले साल मैंने अपने फार्म पे ही तैयार किया था, और अभी फिर से दोबारा भी बोएंगे। बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक गुण होते हैं इसके अंदर। पंजाब और हरियाणा स्टेट जो था, कैंसर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, शुगर वगैरह से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए थे वहाँ से लोग, वहाँ के लोग। तो उन्होंने ये इस तरह का जुगाड़ लगाया था भी कि ये काला गेहूँ है वो एक तरह से इन लाइलाज बीमारियों के लिए एक बहुत अच्छा रामबाण इलाज साबित हो रहा है। इसके लिए उन लोगों ने इसका रिचर्स, बीज का रिचर्स करके बुआई करके शुरू किया था, लेकिन किसानों को बुआई के लिए बहुत कम अवेलेबल करवाते थे और बहुत बहुत महंगी दर पर जो उपयोग करने वाले लोग थे वो उपयोग कर रहे थे। मैंने बहुत बड़ी मशक्क़त के बाद ये बीज पिछले साल हरियाणा से ही मंगवाया था, उसके बाद में बुआई किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट और अच्छी पैदावार भी मिली। तो ये फिर अब बुआई का समय आ गया है, इसके लिए बीज को तैयार कर रहे हैं। और किसी किसान भाई को बुआई के लिए अगर चाहिए तो ये मैं बीज उपलब्ध भी करवा सकता हूँ। कुछ मात्रा में बीज मेरे पास में विक्रय के लिए पड़ा है, तो आप किसान भाई संपर्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक बीज है, इसकी रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है और आयुर्वेदिक गुण पूर्ण है। धन्यवाद।